अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे रेसिपी इज चॉकलेट सिरप। आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट इंग्रेडिएंट से चॉकलेट सिरप बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेसिपीज में यूज़ होता है। जैसे कि आप इसमें इससे ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं, केक्स ब्राउनीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज में इसे यूज़ कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। एक ग्लास हमने यहाँ पर दूध लिया है, 2 टेबल स्पून पानी लिया है, 1/4 कप हमने चीनी ली है और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन में दूध को ऐड कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर जो 1/4 कप शुगर ली थी, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। मेरे पास आप कास्टर्ड शुगर भी ऐड कर सकते हैं और जो आम घर में चीनी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। हम इतना इसको हिलाएंगे कि जो हमारी शुगर है वो दूध में जो उसे अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए। जी, तो यहाँ पर जो 2 टेबलस्पून हमने पानी लिया था उसमें हमने अपना कोको पाउडर जो 1 टेबलस्पून था वो ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट इसमें अपने दूध के मिक्सचर में एक कोको पाउडर को ऐड करते हैं तो वो गुठलियाँ बन जाती है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये इसमें अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से डिजोल्व हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे दूध के मिक्सचर में चीनी अच्छे तरीके से हल हो जाएगी तो देन हम ये उसमें ऐड करते हैं। तो जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें बॉयल भी आने लग गया है और जो हमारी शुगर है वो अच्छे तरीके से दूध में डिजोल्व हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें अपना कोको पाउडर का जो मिक्सचर है वो ऐड करते हैं। जी, तो यहाँ पर अब हम इसमें कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड कर देते हैं। सारा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से अब हम गाढ़ा करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे, मुसलसल, इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए ऐसा। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट सिरप है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको और ज़्यादा रिड्यूस करना है, थिक कंसिस्टेंसी में इसको लेके आना है। तो आप देख रहे हैं, जब हमने इसमें मिल्क में हमने कोको पाउडर ऐड किया था तब इसका कलर किस तरह का था और अब कितना डार्क हो गया है, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है और अभी ये और रिड्यूस होगा। जब ये थिक होगा तो ये बिल्कुल बाजार जैसे, जो हमारा चॉकलेट सिरप हमें बाजार से मिलता है ना, उसकी बिल्कुल सेम उस जैसा लगेगा ये और उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी सी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट सिरप बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखें कितना गाढ़ा, बिल्कुल बाजार जैसा है। आप इसे ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं, इसे ब्राउनीज़ वगैरह पर, केक वगैरह पर आप इसे डाल सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इसे रेसिपीज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।